that you all want to make some noise also. So we'll do that. On the count of three, I want you all to please make a big, big, big shout out for our grand finale. And ek saath karenge hum sare log. So on the count of three, please be ready and put all your energy out. Aur saath mein hum shor machayenge. 3, 2, 1, come on everybody, make some noise. And you all are excited for Dev and Diva grand finale? Yes or no? Excited hai sare log? नहीं, ऐसे एक्साइटमेंट लेवल थोड़ी पता चलता है. वी आर हियर इन ग्रैंड फिनाले ऑफ देव एंड दीवा, द बिगेस्ट मॉडलिंग शो ऑफ बिहार. कितने ऐसे लोग हैं पीछे जो इस सीजन को पहले भी मतलब लाइक देव एंड दीवा को पहले भी देख चुके हैं? थोड़ा सा हाथ उठा के बता दे बस. कुछ लोग, यस, सो मेनी पीपल पहले वाले भी देख चुके हैं ना. नाउ आई कैन सी यू ऑल. मतलब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहले भी देखा है. सो मैं आपको बता दूं, it's a very very long journey. Dev and Diva is a very long journey, and aaj se 15 saal pehle iska vision create kiya gaya tha. A man who is behind all this, and you must know the personality who has created this big history in Bihar by starting Dev and Diva. And now we are here in front of you all celebrating and organizing our grand finale in front of you all. So I want you all to please put your hands together for the organizer, the vision creator of Dev and Diva way back 15 years back, I can say, Mr. Manmeet Singh Albela. So ek bar zordar taaliyan honi chahiye, because yes, that's what energy we expect. So Dev and Diva ke bare mein agar thodi si baat karu na, to jab iska vision socha gaya hoga, jab हमारे मैन ऑफ अ गोल्डन हार्ट मनमीत सर ने जब ये सोचा होगा कि देव एंड दीवा जैसा कुछ शुरू करना चाहिए, सो थिंक अबाउट इट कि ये कैसी जर्नी रही होगी, कितनी टफ जर्नी रही होगी. क्योंकि आज से 15 साल पहले ऐसी एक प्लेटफॉर्म के बारे में सोचना, और ख़ास करके हमारे यूथ, हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके बारे में सोचना, जिन्हें एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म दिया जाए और उसके बाद इसकी नींव रखना. बट दिस इज़ ऑल योर लव, हमारे स्पॉन्सर्स, हमारे ऑडियंस, हमारे कंटेस्टेंट, इन सभी का प्यार और इन सभी का जो सपोर्ट रहा है, जिसकी वजह से आज हम 15 साल अपनी जर्नी पूरी कर चुके हैं. बीच में लॉकडाउन की वजह से दो सीजन्स नहीं हो पाई, बट हमने 12 सीजन्स कंप्लीट किए हैं और ये हमारा 12वां सीजन है. ये बहुत बड़ी बात है. बट मॉडलिंग के बारे में सुनते ही ना, दो काम है. और हमने जब इस स्टेज के बारे में सोचा, जब देव एंड दीवा की शुरुआत हुई, तब यही सोच के इसकी शुरुआत की गई थी कि बिहार आज हम सभी ने सक्सेसफुली इतने सारे सीजन और कितनी सारी सेलिब्रिटीज को यहां पे बुलाया गया. आज की सेलिब्रिटी कौन है? यू हैव एनी आइडिया कौन है? यस, थोड़ा जोर से. प्रिंस नरूला. एंड द सेकेंड वन, मल्लिका शेरावत. सो जो लोग ना प्रिंस नरूला से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है, दे विल ऑल्सो रेज योर हैंड्स. ओके. एंड जो लोग हमारी डीवा, हमारी ब्यूटी क्वीन मल्लिका शेरावत को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, वो, ओह माय गॉड, दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग. सो मोर पीपल आर एक्साइटेड टू मीट मल्लिका शेरावत. ओके. ऑल्सो वी हैव अ टीम ऑफ आर जूरी मेंबर, दे आर जज, दे विल बी जजिंग आर शो. एंड हमारी सेलिब्रिटी भी आएंगे हमारे बीच में, दे आर आर सेलिब्रिटी जज ऑफ दिस शो. So we'll have rounds here of our contestant, but before starting the show, I'll wish all the contestant ki wo bahut acche se kare,
विश देम अ वेरी वेरी गुड लक. और मुझे पता है कि दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, ग्रूमिंग में काफ़ी अच्छा किया है हमारे सभी कंटेस्टेंट ने. तो आप सभी भी उन सभी के लिए तालियां बजाते रहिएगा और उनका हौसला अफजाई करते रहिएगा. और जैसे कि हर खेल में या हर जंग में एक नियम होता है ना कि कोई एक ही जीतेगा, बट ये हमारे देव एंड दीवा के प्लेटफॉर्म की ताकत या खूबसूरती कह लीजिए, जहाँ आने वाले हर कोई अपने आप में एक बेहतरीन विनर है और यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ सीख के और जीत के जाते हैं. और हमें खास करके ये बताने में भी बहुत खुशी हो रही है कि हमारे देव एंड दीवा के बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो आज अपने करियर में फैशन से रिलेटेड, मॉडलिंग से रिलेटेड एक अच्छा मुकाम हासिल कर रहे हैं. और हमारे प्लेटफॉर्म उन्हें काफ़ी सपोर्ट कर रहा था उनके करियर को और भी डेवलप करने के लिए. सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर लव, योर सपोर्ट एंड हमारे स्पॉन्सर्स जिन्होंने हर साल हमारा बहुत बेहतरीन तरीके से साथ दिया है. उनका भी हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद. सो दिस इज द टाइम टू स्टार्ट द शो. आर यू गाइज रेडी टू स्टार्ट द बिगेस्ट मॉडलिंग हंट शो हियर? शुड वी स्टार्ट? जब तक आप लोगों की तरफ से ओके नहीं मिलेगा तब तक मैं कैसे शुरू करूंगी? शुड वी स्टार्ट? यस. So we'll start with some amazing music and we have a very very handsome and a talented artist, a saxophonist with us, jinke saath aaj ke is manch ki stage ki hum shuruaat karenge. So please zordaar taaliyon ke saath welcome kariye the one and only Mr. Anthony, our saxophonist of this evening. Come on everybody, please put your hands together and let's begin the show. Thank you.
हेलो, ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग अभी भी बहुत ठंडे ठंडे हैं? बिल्कुल, थोड़ा वार्म अप होना चाहिए. इतना प्यारा, इतना रोमांटिक गाना. कितने लोग हैं जो रिलेट कर पाए इस गाने से? मुझे तो लग रहा है सबने किया होगा, बता कोई नहीं रहा है कि नहीं? अच्छा, मुझे लगता है कि सबकी एनर्जी तब आएगी जब हमारी कंटेस्टेंट्स जो हैं वो आके यहाँ पे वॉक करेंगे. हमारी फर्स्ट राउंड चालू हो गया, ऐसा है क्या? नहीं, बट उससे पहले जब तक आप लोग पूरी एनर्जी में दिखेंगे नहीं, तब तक कैसे हमारा फर्स्ट राउंड चालू होगा? सो दिस इज ऑल फॉर योर वार्म अप एंड एवरीथिंग. तो आप लोगों को पूरी एनर्जी दिखानी पड़ेगी, पूरा एंथुजियाज दिखाना पड़ेगा. भाई, वी आर सिटिंग एंड वॉचिंग आर देव एंड दिवा फिनाले. And I don't think Dev and Diva finale needs any kind of recognition and disclaimer. You all know about this show and now we are enjoying this. And हमारे साथ Anthony जी हैं जिन्होंने इतना प्यारा गाना आप सभी को dedicate किया. मुझे लगता है एक और गाना आपको सुनाना चाहिए. एक और गाना, romantic number or fast number? Romantic. कितने दिल टूटे आशिक बैठे हैं यहाँ, सारे दिल टूटे. एक दो. हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि रोमांटिक गाने सुन के हमारे जितने यूथ हैं वो सब क्या है कि नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं. अभी नज़दीक से देखूंगी तो पता चलेगा, सब पुरानी यादों में जा रहे. तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वाइब वॉर्म करने के लिए, थोड़ी सी एनर्जी बढ़ाने के लिए एक थोड़ा फास्ट नंबर की भी ज़रूरत है कि नहीं? सो एक हम लोग फास्ट नंबर सुने थोड़ा जोर से. यस और नो? गाने मैदान तक आवाज़ जानी चाहिए. यस और नो? Yes. तो चलिए एक हम लोग इस माहौल को थोड़ा सा और वार्म अप करने के लिए एक धमाकेदार सॉन्ग सुनते हैं. एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू एंजॉय विद अस. आप तालियां बजा सकते हैं, आप गा सकते हैं, साथ में आप एंजॉय कर सकते हैं. सो जस्ट एंजॉय योर सेल्फ, एंजॉय दिस इवनिंग बिकॉज दिस इज ऑल फॉर यू ऑल. थैंक यू सो मच. प्लीज एंजॉय दिस सेकेंड नंबर.